हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू एकेडमी एंड आई एम अदिति सिंह यू ऑल कल के लेक्चर में दैट इज वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ लीनियर अल्जेब्रा हमने कल स्टार्ट किया के ऊपर बेस्ड है ये पूरा चैप्टर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लो क्योंकि वो बेसिक था हमारा उसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को सो लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में देखा कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हो होप आप सबको याद होगा कि हम क्या लिखते थे उसे जैसे so, हमें कैरेक्टरिस्टिक तो right? इक्वेशन था हमने क्या किया हमने पहले ऑर्डर ऑफ टू एंड ऑर्डर ऑफ थ्री इन दोनों के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला लेकिन ये निकालने के लिए हमने क्या किया एक प्रोसेस या फिर एक ट्रिक छोटी सी ट्रिक को फॉलो किया आपको ये मेथड फॉलो करना है आप कर सकते हो मैंने एक चीज़ नोटिस की बच्चे कहते हैं है, मैम आप गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट गलत होता तो आंसर कभी सही नहीं आता एंड सेकेंडली आप कर करके एक रेफरेंस बुक है आप लाइक एक अच्छी खासी बहुत प्यारी रेफरेंस बुक है जो पर्सनली इंजीनियरिंग में हर कोई यूज करता है हर कोई यूज करता है चाहे वो कोई भी कॉलेज में हो कोई भी यूनिवर्सिटी में हो ये एक स्टैंडर्ड बुक है लाइक बहुत लोग यूज़ करते हैं मैंने भी यूज़ किए मेरे इंजीनियरिंग सेशन में मैथमेटिक्स जब तक मुझे था ओके okay? मैंने यही बुक यूज़ किया एंड इसको ही यूज़ करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रही क्योंकि इट इज़ समथिंग कि उसके मेथड्स बहुत ईजी पढ़ते हैं एंड वो कॉन्सेपचुअली पॉइंट को स्टिक करके वो एक बुक है कि आप मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हो तो फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक कर लो हो गया आपका सेमेस्टर वन वैसी बुक है वो तो इसके लिए हम उसे फॉलो करते हैं ओके एंड बाकी सारे जो पब्लिकेशन होते हैं कभी कभी क्या होता है एरर्स होते हैं उसके अंदर सो so इसके लिए रेफरेंस बुक आर द बेस्ट बुक टू बी रेफर्ड ओके अब मैं आपको कोई ट्रिक बता रही हूँ तो जरूरी नहीं है वो ट्रिक हर जगह पे अप्लाई हो राइट right? आप हो सकता है आपके जो टीचर्स है वो ट्रिक फॉलो नहीं करते होंगे बट एक्यूरेट आंसर आ रहा है स्टेप्स को मैंने आपको कहा है स्टेप्स को इतना ज्यादा हम ट्वेल्थ में नहीं है हम इंजीनियरिंग में हैं हम इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं सो ऑफ कोर्स यार तुम कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर फोकस नहीं करोगे आपका जो मेन पार्ट है मेन जो स्टेप है उसके ऊपर आप फोकस करोगे जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको निकालने बोला है आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दो दो मेथड्स मैंने आपको सिखाया नंबर वन वॉट टू सब्सिट्यूट योर आंसर सॉरी सब्सिट्यूट योर गिवन थिंग दैट इज ए मेट्रिक्स आपको दी जाएगी आप उसको कर दो फिर उसके बाद आप आई लिख दो अल्फा से सॉरी से उसको मल्टीप्लाई कर दो आय को जहां जहां फिर उसके बाद क्या करोगे करोगे आप करने के बाद आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो बट मैंने आपको एक ट्रिक बताई छोटी सी वो ट्रिक से क्या हुआ थोड़ा चीज कॉम्प्लीकेशन से कम हुआ एंड आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते थे जैसे कि अगर मुझे ऑर्डर टू का था मैट्रिक्स मेरी ऑर्डर टू की थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि लैमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एमडा प्लस है, इस से अगर 3 into 3 है आपके पास थ्री इंटू थ्री मेट्रिक्स यानी कि तीन कॉलम्स है एंड तीन रोज है तो इसके लिए मैंने क्या बताया क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म होगा लैमडा क्यूब माइनस स्ट्रेस ऑफ ए इंटू लैमडा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या लिखते हैं सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए तो मैंने उसे ऐसे ही रखा है कि of, of, निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया आपके कैलकुलेटर के थ्रू डेस्कटॉप के थ्रू मैंने डेस्कटॉप के थ्रू किया एंड आपको सो समझ में आ गया होगा ओके okay? इतनी नॉर्मल सी चीजें कि यहाँ पे हम आइगन वैल्यूज को किससे डिनोट करते हैं लैम्डा से डिनोट करते इतना समझ में आ गया कि एक्चुअली क्या है हमारा आइगन वैल्यूज है अगर हमारा ऑर्डर टू है तो हमें कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे दो और अगर हमारा ऑर्डर मैट्रिक्स का है तो हमें कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे तीन आइगन वैल्यूज मिलेंगे ओके okay? इधर तक समझ में आ गया थोड़ा मेरा हेल्थ आज ठीक नहीं है इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी एंड वॉइस में आपको भी हो सकता है आई एम सो सॉरी फॉर दैट

इन सबको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है इक्वल्स टू ऑफ ए होती है इतना समझ में आ गया होप सो so, आप सबको सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है हमारा ट्रेस ऑफ ए होता है एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इज इक्वल्स टू डिटेमेंट ऑफ ए ये दो प्रॉपर्टीज यूज करके आपको सम्स पूछे जाते हैं ये सम्स बेसिकली मैक्स टू मैक्स थ्री मार्क्स के लिए या फिर मार्क्स के लिए इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं max to max इससे नहीं इससे इसके अंदर सब भी पूछे जा सकते क्योंकि बहुत ही छोटा सा है ये देख लेते हैं हैं इसके अंदर कैसे सम आते Number one, type one है कि आपको दिया जाएगा हम क्या कर रहे हैं हमारा ये मैट्रिक्स है थोड़ा ना एक्चुअली कभी कभी हम किसी किसी चीज को लेकर ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कुछ कुछ चीज यार हम कैसे आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गलत सिखा सकते हैं हम कभी नहीं सिखा सकते और अगर हम कोई चीज सिखा रहे हैं तो हम खुद पहले तीन बार सीखते हैं यार वो चीज को एंड अगर मेरी वजह से आपको कभी डांट खाना पड़ रहा है तो यार फिर आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट ऐसा काम मैंने अभी तक नहीं किया जितना चीज आपको सिखाया पहले मैंने सीखा पहले मैंने चार चीजों को पढ़ा एंड रिकॉर्ड किया सेशन को एक ने दो दो बार रिकॉर्ड किया है कई बार तो तीन तीन बार किया है चार चार बार भी किया है एक ही सेशन को सो एफर्ट्स so, दे रहे हैं तो यार उस चीज की रिस्पेक्ट करो ओके तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना है हमें हमारे वैल्यूज हमें हमारा मेट्रिक दिया गया है प्रॉपर्टी okay? फॉर सम निकालना है। what, sum, sum, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रही लेट एसम लेट लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री बी डी आइगन वैल्यूज आइगन वैल्यूज ऑफ

एट सेवन एंड थ्री है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब करोगे तो आपको क्या मिलता है आंसर मिलता है राइट right? यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो एटीन लिखोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा ओके okay? अब हम कहाँ जाएंगे इन्होंने एक और चीज पूछी है हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड पूछी है तो हमारा प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है प्रोडक्ट वाला प्रॉपर्टी हमें कहता है

लेट अस स्विच द डेस्कटॉप अब हमें क्या निकालना है इसका डिटरमिनेंट निकालना है कल वाले बट हम क्या करेंगे अब सेलेक्ट करेंगे one, हमें क्या करना है? है. लेनी है. फिर उसके बाद नंबर ऑफ रोज कितने हमारे पास थ्री नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास थ्री अब अपने मैट्रिक्स के एंट्रीज इसके अंदर डाल दो सो so, हमारे मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या है एट एट है

कि हम क्या कर रहे हैं मैट्रिक्स कैलकुलेशन कर रहे थे तो हम थ्री प्रेस करेंगे उसके बाद ऑप्शन में जाके आप क्या करना चाहते हो डिमिनेंट निकालना चाहते हो तो यू विल प्रेस लेट अस प्रेस टू अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे मैट्रिक्स का निकालना है so, we'll सो विल प्रेस अगेन ऑप्शन एंड उसके बाद प्रेस करोगे एंड विल प्रेस इक्वल्स टू तो अब आपको आ रहा है मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है इक्वल्स टू जीरो है ओके okay? सो so, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज लिखेंगे इनडायरेक्टली यू गॉट प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज आर इक्वल्स टू इज इक्वल टू जीरो आपको क्या करना है इसके अंदर डायरेक्टली सिर्फ सम एंड का प्रॉपर्टी लगाना है ओके ये एक सम हो गया फिर उसके बाद एक दूसरा टाइप का भी सम आपको पूछा जा सकता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज आपको दिया गया है प्रोडक्ट बिटवीन टू आइगन वैल्यूज है आपको मेट्रिक्स भी दी गई है इस सिक्स लेटेस अज्यूम हम क्या लिख रहे हैं मुझे कैसे पता चला कि तीन आइगन वैल्यूज आएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा मेट्रिक्स कितना है थ्री इंटू थ्री है थ्री इंटू थ्री मेट्रिक्स होता है ऑर्डर थ्री होती है तो यहाँ पे क्या आती है हमारे आइगन वैल्यूज कितने थ्री तीन होते हैं सो लेटेम वन लैमदा टू एंड लैमडा थ्री टू बी द आइगन वैल्यूज ओके रैंडमली लिख लिया टू बी द आइगन वैल्यूज अब ये हमें कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज इज सिक्स यानी दो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना है सिक्स है और ये हमें कह रहे हैं थर्ड वाला आइगन वैल्यू निकालो बहुत सिंपल है कैसे क्योंकि लैमडा वन डॉट लैमडा टू डॉट लैमडा थ्री इज इक्वल्स टू इन्होंने क्या कहा है इज सिक्स राइट सो दो आइगन वैल्यूज फर्स्ट एंड सेकंड है इनका प्रोडक्ट है सिक्स इतना हमें बताए फिर उसके बाद हमें हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि प्रोडक्ट बिटवीन थ्री आइगन वैल्यूज दैट इज लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एके बट क्या आएगा सिक्सा थ्री टू भी अब हम क्या करेंगे हमारा ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वापस हम अपने कैलकुलेटर पे जाते हैं एंड कैलकुलेटर पे जाओगे तो वहां पे विल सेलेक्ट अगेन हमारा जो एक्चुअल था वन थ्री टू थ्री अब अपने एंट्रीज डाल दो इसके अंदर मेरे पास तो एंट्रीज यहाँ पे है सिक्स है फिर तो नेक्स्ट क्या है माइनस टू देन इट्स टू माइनस टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन एंड थ्री ओके हमारी मैट्रिक्स हम लिख दिया हमने हमारा एंड फिर अब हमें क्या करना है वन सेकेंड मैंने यहां पे बताती हूँ क्या किया फिर यहां पे हम क्या करेंगे हमारी मेट्रिक्स हो चुकी है नाउ विल प्रेस ऑन ऑप्शन ऑप्शन के बाद हमें क्या करना है कैलकुलेशन करना है मेट्रिक्स का तो थ्री प्रेस करोगे अगेन ऑप्शन एंड देन विल सिलेक्ट डिटर्मिनेंट जिसको हमने क्या दिया है टू दिया है फिर डिटर्मिनेंट के बाद हमें उधर मेट्रिक्स ए लिखना है सो विल प्रेस ब्रैकेट क्लोज एंड यू गेट योर आंसर टू बी बीवल टू थर्टी टू ओके इतना याद रखना हमें हमारा वैल्यू क्या मिला थर्टी टू मिला डिटर्मिनेंट का सो लेट अस स्विच टुवर्ड्स आवर नोट अब मैंने यहाँ पे देखो एक छोटी सी गलती कर दी है

टू मिल गई। अगर आपको थ्री so की वैल्यू क्या होती है हमारी डिटर्मिनेंट होती है हमें लैमडा वन एंड लैमडा टू की वैल्यू क्या है सिक्सटीन दी गई है हमारे लैमडा थ्री की वैल्यू हमें क्या मिली टू मिली राइट right? दिस इज इक्वल टू क्या आ रहा है थर्टी टू और हमारा डिटर्मिनेट भी क्या था थर्टी टू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कि हमें हमारा लैमडा थ्री की वैल्यू जो कि टू मिली है वो एक्जेक्टली एंड एक्यूरेटली एकदम सही है ओके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज के ऊपर जा रहे हैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है बताती हूँ कैसे इसमें क्या बोला है द सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ थ्री इंटू थ्री मेट्रिक्स इज सिक्स

प्रोडक्ट वाले में देखोगे तो लैमडा को वन लैमडा वन को वन सब्सिट्यूट करोगे तो मल्टीप्लाई होकर क्या बचेगा सिर्फ लैमडा टू इंटू लैमडा थ्री इज इक्वल टू सिक्स इतना बच गया फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लैमडा वन की वैल्यू डाली तो क्या मिलेगा वन प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री इज इक्वल टू सिक्स अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू यानी कि या तो लैमडा टू इज इक्वल टू सिक्स बाय लैमडा थ्री ले लो या फिर थ्री इज इक्वल टू सिक्स बायना टू ले आपको जो अज्यूम करना है एक ही अज्यूम करके इसके अंदर वैल्यू वैल्यूट्यूट करो अगर आप ये वाला कर रहे हो तो आपका इक्वेशन टोटली थ्री के टर्म्स में आएगा एंड आपको तुरंत की वैल्यू मिल जाएगी अब यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिलेंगी कैसे बताती हूँ यहाँ पे आपको क्या मिलनी है दो वैल्यूज मिलेंगी दैट इज लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री की क्या मिल रही है वन टू एंड थ्री और वन थ्री एंड टू जब आप ये सॉल्व करोगे ना सब्सिट्यूट करके चाहे आप कोई भी ले लो आंसर सेम ही आना है ऑफकोर्स तो आप एक बार ये लेके सब्सिट्यूट करो इसके अंदर लैमडा थ्री मिलेगा फिर उस इक्वेशन को वापस सब्सिट्यूट करके लैमडा टू एंड ऐसे ही लैमडा टू मिल जाएगा एंड लैमडा वन की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी गई है दैट इज वन सो होप सो आप ये क्वेश्चन को ट्राई करोगे एंड ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना फिर अब हम जाएंगे हमने अभी तक सिर्फ दो प्रॉपर्टीज देखी लेकिन हमारे आइगन वैल्यूज की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है सो अब हम आगे वाली प्रॉपर्टीज तो तो देखेंगे दैट दैट इज इज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो कहती है आइगन आइगन वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ ए ए एंड ट्रांसपोज आर सेम यानी कि समझ लो मेरा एक मेट्रिक ए है उसके आइगन वैल्यूज क्या मिले वन लैमदा टू एंड लैमदा थ्री तो हमारा जो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा ट्रांसपोज याद रख क्या होता है हम क्या करते थे इंटरचेंज करते थे ट्रोज एंड कॉलम्स को राइट तो हमारा उसका जो आइगन वैल्यूज होता है ना वो सेम होता है हमारे मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यूज से सो अगर आपको किसी ने एमसीक्यू फॉर्म में पूछा वॉट इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इफ आइगन वैल्यू ऑफ ए इज लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री सो यू कैन डायरेक्टली राइट योर आंसर टू बी बीवल्स टू लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री फिर उसके बाद इफ लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री हमारे आइगन वैल्यूज है फॉर मैट्रिक्स ए देन वी है नंबर ऑफ प्रोपर्टीज रिगार्डिंग द सेम रेस टू n है हमारे A की वैल्यूज क्या है A के आइगन वैल्यूज क्या है ये तो हमने अगर A रेस टू n किया होता है यानी कि की, की आपकी जो भी वैल्यू आनी है फॉर मैट्रिक्स A उसका स्क्वायर निकालो सेम आइगन वैल्यू सेकेंड के लिए सॉरी सॉरी सेकेंड के लिए और यही चीज अगर आपको उन्होंने कही एन की वैल्यू टू बीवल टू फोर तो आप क्या करोगे सारे आइगन वैल्यू को रेस टू फोर कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा तो यानी कि आइगन वैल्यू ऑफ ए रेस टू एन क्या होगा लेमना वन रेस टू एन जो भी आपका एन है उसका पावर ले लो अगर टू है तो सबका स्क्वायर आ जाएगा थ्री है तो सबका क्यूब आएगा ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट है के ए के हमारा एक कांस्टेंट है जैसे कि समझ लो आप देखो के हमारा क्या है कोई भी एक रैंडम कांस्टेंट है ओके वन सो के के हम हमारा K क्या होगा समझ लो के हमने लिया टू बी इक्वल टू टू तो ये क्या होगा टू ए टू ए की वैल्यू क्या होगी आइगन वैल्यू टू लैमडा वन टू लैमडा टू थ्री। जो भी आपका आएगा ना यहाँ पे उससे सारे आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो बस इतना ही है इसके अंदर अगर यही के की वैल्यू थ्री होती तो क्या करते थ्री लैमडा वन थ्री लैमडा टू थ्री लैमडा थ्री कर देते ओके मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद इनवर्स का इनवर्स का क्या आइगन वैल्यूज होंगे तो इनवर्स के आइगन वैल्यूज कैसे होते हैं आप वन अपॉन बोल रहे हो तो यहाँ पे हमारे जो आइगन वैल्यूज है वो भी क्या हो जाएंगे इनवर्स हो जाएंगे यानी कि समझ लो अगर मेरे पास था वैल्यूज लैमडा का आइगन वैल्यूज ऑफ ए मेरे पास थी वन टू एंड थ्री देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा पता है

तो ऐसे में इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं पता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे उसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे चाहे अपर ट्राइंगुलर हो या लोअर ट्राइंगुलर हो उसके जो एक्चुअल आइगन वैल्यूज होते हैं वो आपको निकालने नहीं पड़ते आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री एंड ये लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री ऐसे करके आप उसके आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो इसके ऊपर हम सम देखते हैं अब बहुत अच्छे समझ है एंड जब so, मैं थी ना मेरा जब ऑफ uh, कोर्स मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से हूँ तो मेरे मुंबई यूनिवर्सिटी यु, uh, के टाइम ये सेमेस्टर फोर में था मुझे अप्लाइड मैथमेटिक्स फोर में था तो उस समय ना हमें ये क्वेश्चन चार के लिए आया था कैसे बताती हूँ एक ये क्वेश्चन था एक इक्वेशन के साथ दो मार्क्स के लिए उसके बाद एक और ऐसा क्वेश्चन था एक और दूसरी मैट्रिक्स दी गई थी लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के साथ एंड फिर उसके बाद हमारा जो इक्वेशन थे उसे थोड़ा चेंज कर दिया था ओके okay? सो so, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे दो 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 करके मार्क्स के लिए आते हैं तीन आ गए तो छह मार्क्स का हो जाएगा बहुत ही छोटा है आपको क्या करना है वी नो दैट दिस इज अ अपर ट्राइंगुलर मेट्रिक्स अब अपर ट्राइंगुलर मेट्रिक्स है यानी कि इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे इसके डायगोनल एलिमेंट्स दस अस कंसिडर

अब ये हमें कह रहे हैं भाई साहब ए रेज टू थ्री प्लस एट आए इस पूरे आइगन अब मुझे बताओ इसके अंदर लैमडा की एक की वैल्यू लिखना सेंसिबल है क्या एक ही वैल्यू सब्सिट्यूट करके उसके बाद उसके आइगन वैल्यूज निकालना इनसेंसिबल है यानी कि मतलब ये तो वही हो गया ना कि क्या बोलू इसको मैं कर सकते हैं यार लोग ऐसा भी कर सकते हैं जो कह रहा है हम गलत पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी कह सकते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा अब ऐसे सिचुएशन में इसके लिए ही हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज दी गई है प्रॉपर्टीज को हमें यूज करना है यहाँ पे देखो ये कैसा है ए क्यूब है किस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो ए रेस टू एन वाले प्रॉपर्टी को यहाँ पे देखो फाइव ए है कौन से प्रॉपर्टी को यूज करोगे के ए वाले को एंड ये एच आई है एट आई ओके आई क्या होता है हमारा I, की होती होती है one होती है यानि कि ये हमें कह रहे eight into one करो हर जगह पे मैं में कर रही हूँ ताकि इजिली समझ में आपको करना है वैसा तो करो नहीं तो फिर आप नॉर्मल लिखोगे तो भी चलेगा ओके सो प्रेजेंटेबल करने के लिए पेपर को जब पेपर एग्जामिनर चेक करता है तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसके लिए मैं कैसे पेपर लिखती थी लेट मी नो यू ऑल आई यूज टू ड्रॉ वन बॉक्स फिर उसके बाद ये लाइन थोड़ी ब्रॉड हो गई इससे प्रेजेंटेबल लगता है ऐसा समझ सकते हो फिर आई यूज टू राइट यू आइगन वैल्यूज ओके फिर आइगन वैल्यूज के बाद हमें क्या है सबसे पहला टर्म ए क्यूब है नेक्स्ट क्या है हमारे पास फाइव ए है साइन देख लेना साइन के साथ मस्ती नहीं कर सकते हम एडिशन ही है सबके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है फिर यहाँ पे क्या था हमारा एट आई था एंड यहाँ पे हम हमारा फाइनल आंसर लिखते हैं फॉर ए रेस टू थ्री प्लस फाइव ए प्लस एट आय यहाँ पे क्या लिखेंगे हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे सबसे पहला आइगन वैल्यू क्या है माइनस वन सेकेंड आइगन वैल्यू क्या है हमारे पास थ्री वॉट इज आर थर्ड आइगन वैल्यू माइनस टू ओके इतना लाइन वाइन बनाने का टाइम नहीं रहता वहां पर तो पे क्या आएगा माइनस वन का का हमें हमें मिल गया था तो निकालना है जितना भी होगा उसका कि था तो उसका पावर यहाँ पे थ्री था तो उसका रेस टू थ्री माइनस टू था तो उसको रेस टू थ्री ठीक है फाइव ए फाइव ए यानी कि फाइव इन फर्स्ट सॉरी आइगन वैल्यू फिर यहाँ पे क्या है फाइव इन टू यहाँ पे क्या आएगा फाइव इन टू माइनस उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है एट i आई की वैल्यू क्या थी हम सबको पता है वन थी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली सिर्फ एट इंटू वन लिखेंगे अब हमें क्या करना है मैं मार्कर का ये चेंज कर रही हूँ वी नो दैट माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस वन होता है थ्री रेस टू थ्री क्या होता है ट्वेंटी सेवन होता है वॉट इज टू रेस टू थ्री इट्स एट

फिर यहाँ पे क्या आना है हमारे पास ट्वेंटी सेवन माइनस फिफ्टीन माइनस सॉरी प्लस एट प्लस फिफ्टीन आई एम सो सॉरी सो पे जब आप एडिशन करोगे ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टीन प्लस एट क्या आता है आपको फिफ्टी आएगा ओके okay? तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया फिफ्टी मिल गया नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाओ तो यहां पे क्या है एट माइनस टेन प्लस एट यहाँ पे आपको क्या आएगा वन सेकेंड यहाँ पे माइनस की साइन है बिकॉज क्यूब निकाल रहे हो ना आप square नहीं निकाल रहे थे माइनस एट माइनस टेन प्लस एट क्या हो जाएगा एटेट गेट्स कैंसिल क्या बचा सिर्फ माइनस टेन मिला सो so, इससे आप लिख सकते हो नीचे लिख रही हो आइगन वैल्यूज ऑफ इससे आपको यह पता चला फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखोगे द आइगन वैल्यूज ऑफ ए क्यूब प्लस फाइव ए प्लस एट आई is 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 equals 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 to 2, lambda 1 dash to 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 lambda 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 dash 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 and ten आपको ये मत बोलना मैम टेबलर में क्यों किया मैम ऐसा क्यों किया करना है तो करो इजियर हो जाता है वरना एक एक, -एक, एक, 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 एक आइगन वैल्यू को लेके सब्सिट्यूट करो एंड सोल्व करो फिर भी सही है ये वाला करोगे आंसर तो सही आया है अब ये क्लास कॉलेज टू कॉलेज पर्सन टू पर्सन या फिर टीचर टू टीचर चेंज करता है कुछ कुछ चीजें चेंज करती है ओके okay? सो so आपको इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा सो so हमने क्या किया ये टेबल फॉर्म में आंसर निकाल दिया दैट इज टू फिफ्टीन एंड माइनस टेन नेक्स्ट ये एक छोटा सा सम प्यारा सा सम ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर क्यू क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्टली सिर्फ टू इंटू टू मेट्रिक्स दिया यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेगी कौन सी देख लो लोअर से यानी कि हमारे आइगन वैल्यूज क्या है लैमडा वन क्या है वन है लैमडा टू क्या है यहाँ पे हमारा फोर है अब आपको क्या करना है आपको इसकी वैल्यू निकालनी है इधर देखो दो प्रॉपर्टीज आएगी सबसे पहले आपको फोर से भी मल्टीप्लाई करना है उसके बाद उसको इनवर्स भी लेना है यहां पर तो सिर्फ फोर से आएगा सॉरी थ्री से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे टू इंटू वन दोगे सब जगह पे टू ही आना इसको फोर से मल्टीप्लाई करोगे इसको भी फोर से तो यहाँ पे क्या आएगा आपको आंसर फोर आना है और यहाँ पे वन आएगा ओके okay? तो तो इतनी तो मिल गई फिर थ्री ए ए की वैल्यू क्या है थ्री इंटू वन करोगे तो आपको क्या मिलना है थ्री फिर थ्री इंटू फोर करोगे तो क्या मिलेगा ट्वेल्व नेक्स्ट क्या है प्लस टू प्लस टू डिरेक्टली आपको यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है Did I आई somewhere रॉन्ग कुछ तो मैंने गड़बड़ की वन सेकेंड नहीं की यार क्यों डर गई मैं यहाँ पे क्या आएगा फोर प्लस थ्री प्लस टू इज नाइन और यहाँ पे क्या है वन प्लस ट्वेल्व प्लस टू दैट इज इक्वल्स टू 15 तो आपको दोनों आंसर मिल गए आंसर भी निकाल के दे दिया मैंने आपको इतना सिंपल क्वेश्चन था ये क्या क्या आ जाएगा हमारे पास 9 एंड 15 हमारे दो आइगन वैल्यूज है फॉर दिस रेस्पेक्टिव इक्वेशन दैट इज 4a इनवर्स 3a plus 2i ओके होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा आज का सेशन 30 मिनट्स का ही है एंड अब हम शिफ्ट होंगे हमारे बहुत ही वास्ट टॉपिक पे दैट इज आइगन वेक्टर्स जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ओके होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा एंड एंजॉय किया है तो ऑफ कोर्स यार लाइक like कर दो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड ऐसे ही प्यार करते रहो कमेंट करो कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं जितना हो सके भले मेरा शेड्यूल बहुत इस समय बहुत ज्यादा बोलते हैं ना टाइट है मेरा शेड्यूल बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू इंटरेक्ट विथ यू गाइज तो आप भी ऐसा रिस्पॉन्ड करो थैंक यू सो मच टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सी यू सुल बाय बाय